प्रकार तंत्र प्रचार के रूप गोस्वामी के आशीर्वाद के बंधन से सदा हृदय कंदरे श्रोतवा सुतिनंद इसलिए सराक्षर विवेकी नरत्तम उन्नतम पुरुषोत्तम के भजन करने वाले के अन्नतम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर संसद में रूपान रूप संस्कृत प्रचार प्रसार जो सराक्षर है विवेकी है वही मंत्र हमारे उनके प्रदान को अनुसरण करते हुए संसद में रूपान के सिद्धांत को प्रकाश करने वाले महाप्रभु अन्य श्री भक्त श्री सिद्धांत विश्व सिद्धांत वापस गुरु मनोविष्ट पूर्ण करने की जो कि कठिन विष्णु के मुखर भी से विष्णु सुनी आवित्य उनके प्रदान करनाल इंद्र पुष्पांजलि प्रदान करना फिर बात कमाल कृष्ण गुरु मुखं करति वाचालं पौगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे श्रीगुरोऽवतीतारं वाञ्छाकल्पतरो वश्य कृपासिन्धुभ्येव च पतिता पापेभ्यो श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत श्रीगदाधर शिवसादि भक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 जगत गुरु श्रीमद
भक्ति विनय भारती गोसाई महाराज जी की कृपा आकर्षण से वो अपने पूर्वाश्रम से प्रभुपाद के चरण में आकर्षित हुए और बांग्लादेश बरिशाल जिला में प्रकट भूमि है और बचपन से वैष्णव के प्रति एक अद्भुत आकर्षण शुद्ध भक्त की शुद्ध वैष्णव की शुद्ध हरि कथा की प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण रुचि है वो उनके बचपन से और पढ़ाई करते करते जब प्रभुपाद के कृपा पात्र भारत गोस्वामी महाराज जी के दर्शन उनकी मुखारविंद से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवर्ता युद्धोत्सव श्रीमद भागवत गीता के पहले श्लोक का दिव्य कुछ तथ्यात्मक जो कथा श्रवण किया और वो श्रवण करते ही उनके मन में पहले से जो धारा लुकायित था वो प्रस्फुटित हो गया। संसार की प्रति प्रचंड विरक्ति चले आए माया को प्रभुपाद जी के चरण में। प्रभुपाद जी 1924 के गौर पूर्णिमा के दिन उनका हरिनाम और दीक्षा प्रदान करके चित्त स्वरूप नाम प्रदान किया। हमारे चित्त स्वरूप ब्रह्मचर्य जब हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है कि जो तत्व है जन्मे जन्मे प्रभु से गुरु तत्व वैष्णव तत्व ये नित्य तत्व है। हम जैसे कोई साधन करते करते नहीं है, प्रभुपाद के जितने परिकर है सब महाप्रभु के नीचे जल है और महाप्रभु की इच्छा से ही प्रभुपाद के साथ महाप्रभु के वाणी को समस्त संसार में प्रचार करने के लिए, क्योंकि जो चैतन्य भागवत में पृथ्वी आचे जब तो नौकरादि ग्राम सर्वत्र हरि मूल नाम यह वाणी की यथार्थ सार्थकता प्रभुपाद के जन सब महाप्रभु के परिकर स्वरूप सब आकर के सारे संसार में महाप्रभु की कथा का प्रचार करके किया। महारथी बता रहे थे निर्भी इनकी भक्तिता से चाहे हमारे हैं मोटो के सन्यासी ब्रह्मचर्य भयभीत हो रहे थे कि महाराज ऐसे बोल रहे थे हैं संसारी लोग सब उन्मत्त हो जाएंगे मठ की इस प्रकार का सेवा में विघ्न प्रदान करेंगे भयभीत हो रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जो उनकी सेवा से प्रसन्न हुए कि सिद्ध स्वरूप में मेरे लाखों रुपया का काम कर दिया। जब महाराज जी की निर्भीक सत्य वचनों से उस समय की जो दैनिक पेपर है उसमें तरह तरह के हैं उसमें पेपरों में निकलने लगे लोग भयभीत मतों की भक्त लोग भयभीत, लेकिन प्रभुपाद थी क्योंकि ऐसे सत्य वाणी के द्वारा गौड़ीय मठों की जो विशेषता है ये इसमें प्रचारित हो रहा है, इसलिए निर्भीक सत्य की वाणी से प्रभुपाद प्रसन्न और प्रभुपाद जी के अंतर्धान के बाद प्रभुपाद की जो सेवा है जो सेवा प्रभुपाद जी के मन में बड़े हार्दिक की इच्छा थी करने की लेकिन समय के कारण से कर नहीं पाए। उन प्रभुपाद की मनोइच्छा को पूर्ण करने के लिए जैसे गीता गीता को बोलदेव विद्याभूषण के मूल उसके अनुवाद और स्वयं उसकी अनुभाष्य रूप में भगवत गीता को 3 खंड में प्रकाशित करके जो प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी, और दूसरा है जो ब्रह्मा सूत्र बढ़ते उसको लेकर के उसको भी और बाकी सारे बहुत सारे प्रभुपाद की इच्छा को उन्होंने पूर्ण किया है। वैष्णव जनों की सेवा से समर्पण करने की इच्छा लेके आए थे, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनके चरणों में बाणी पुष्पांजलि दे के अपनी बाणी को विराम देता हूं। श्री महाराज की चरणारविंद में मेरा पुष्पांजलि प्रदान करने के सिद्ध वंश बधाई हो।
वंशा कुलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौरभक्तवृन्द, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। परमाराध्यतम निरुपाधिक करुण पारद गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात कृपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः सर्वगोस्वामी पाद सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम कर उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सपार्षद श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद के चरण कमल दंडवत प्रणाम कर उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूज्य सभापति महोदय भक्ति सर्वस्व पूज्य पद भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज के चरण कमल दंडवत प्रणाम कर उनके अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद भक्त वृंद माताएं सबके चरण में आज उनका यथाजथ प्रणाम स्वीकार। आज एक विशेष तिथि है, प्रभुपाद के पार्षद श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के तिरुभाव तिथि। तो सब भागवत में यद्यपि उनके अप्राकृत गण चरित्र को शिक्षा आदर्श को के संबंध में गुण कीर्तन करना हमारे लिए योग्यता नहीं है हमारे अंदर, लेकिन एक तो विश्वास है कि गुरुदेव की मुख से और वैष्णव की मुख से जो कुछ सुना है उनको कीर्तन करने से हम सोच रहे एक तो लाभ होगा। अजामिल चरित में जमदूत और विष्णुदूत के संवाद में विष्णुदूत लोग कहते हैं विष्णु और तद विषयामती। चक्रतपाद कहते हैं कि जब अजामिल ने भगवान की नाम पुत्र का नाम नारायण रूप में लिया, बताया कि मातुः अंकात मम अंकम आगच्छ नारायण, तब उनकी सारी पापी नष्ट हो गया। उसी प्रसंग पर विष्णुदूत लोग कहते फिर कि जिन्होंने अगर एक बार भगवान की नाम लिया ये विषयी होने के कारण उनका मन चंचल है, चाहे उनका मन भगवान में लगे ना लगे लेकिन विष्णु तद विषया मति, भगवान विष्णु की मति उनमें लग जाएगा। मति ओयम जनः, ये जन मेरा है, सर्वोत्त रूपेण रक्षणीय, मेरा सारी रूप में उनका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ऐसे ही विष्णु कृष्ण सकल शक्ति कृष्ण भक्ति संत सकल गुण, कृष्ण का सारी गुण कृष्ण भक्त में है, तो ये वैष्णव की गुण कीर्तन करने से मैं तो सोच रहे हमारे मन चंचल है उनमें मन लग सकते नहीं लग सकता है, लेकिन इतना तो विश्वास है श्रील भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज की मन अगर हमारे ओर हो जाए हमारे मन को खींच ले तो इतना ही तो आशा करके जो हम लोग गुरु वैष्णव के चरण मुख से हम लोग सुने हैं मैंने सुना है उसको मैं कीर्तन करने के लिए वाचन का पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए कोशिश करूंगा प्रयास करूंगा। महाराज जी के बारे में सुना जाता है जैसे भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी ने उनके जगह गांव में गए थे प्रचार करने के लिए प्रभुपाद की प्रेरणा से आज्ञा से। तो श्रील भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज कहते पहले मैंने उनका दर्शन किया विराट स्वरूप, ऐसे महापुरुष की पहले दर्शन किया और उसके बाद उन्होंने जब कथा बोला तो मैंने श्रवण किया और श्रवण के बाद फिर हमने कीर्तन सुना
और उसके बाद उन्होंने नृत्य के तो नर्तन दर्शन किया। तो श्रील भक्ति श्रीपसित भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी का ये दर्शन और कथा श्रवण और कीर्तन और नर्तन, ये चार चीज हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि को दूर करने के लिए मैं प्रयास करना शुरू कर दिया। ये चार वस्तु तो कितना बड़ी चीज है श्रील भक्ति श्रीपद सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी ने और उनका जीवन काल में सचमुच प्रयास किया। जब से उनके साथ संग में आए और प्रभुपाद के चरण में भी आए, कहते कि उनका जो विद्वत्ता बलदेव विद्याभूषण जैसा उन्होंने उनकी सारी उपनिषद को और बलदेव विद्याभूषण जी के भाष्य के साथ भगवत गीता और वेदांत सूत्र को जो प्रस्थान त्रयी श्रुति प्रस्थान जो न्याय प्रस्थान स्मृति प्रस्थान ये तीनों की जो द्वैत वेदांत के अनुसार जो भाष्य है उन्होंने बड़े सुंदर रूप से बड़े परिश्रम करके प्रभुपाद की मनोविष्ट सेवा की उन्होंने प्रकाशित किए। उसके साथ साथ उनका जीवन में देखा जाता है बलदेव विद्याभूषण की जैसा विद्वत्ता और रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा वैराग्य। घर से तो आ गए थे और फिर बाद में जब गए वापस ले उनको चले गए, नहीं आने के लिए कोशिश कर रहे थे, उनको नहीं छोड़ रहे थे। जीवन चरित्र में देखा जाता है रघुनाथ दास गोस्वामी की जैसा और उनका जीवन चरित्र से इतना सुंदर शिक्षा है। गुरुदेव बता रहे थे, हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी बता रहे थे कि कितना सुंदर कि उन्होंने जब पुरी में थे, एक बार हमने सुना था मुनि महाराज जी से, पुरी में जब थे तब उनके शिष्य मुनि महाराज जी भक्ति प्रणत तो मुनि महाराज जी ने छात का ढड़ाई हो रहा था तो नया नया आए थे उनका और एक महाराज जी के और एक उनके एक गुरु भाई के साथ उन्होंने बहुत लगे जो कुछ करते थे वही करते थे। ऐसा होता था कि उन्होंने गुरुदेव के साथ भक्ति से बसी धन गुस्से हमारे साथ ज्यादा समय मिलने के लिए भी नहीं आते थे। तब उन्होंने महाराज जी ने एक बात की क्या कि ढड़ाई होने के लिए सेंट्रिंग हो गया था। महाराज जी उनको बोले कि ये एक काम करो, काम तो ढड़ाई होगा उसको नीचे से वो जो लकड़ी लगा हुआ है उसको निकाल दो। उन्होंने गए निकाल दिए, सारी सेंट्रिंग नीचे गिर गया। लेकिन आगामी कल छात होगा, ढड़ाई होगी और सेंट्रिंग नीचे गिर गया, उन्होंने कुछ समझ नहीं पाए। गुरुदेव बोले तो जाके निकाल ही दिए। लेकिन उनका शिक्षा वही था, उनको परीक्षा कर रहे थे कि उन्होंने हमारे ऊपर शरणागत है कि अपना गुरु भाई के ऊपर ही पूरा पूरा शरणागत है। तो उन्होंने जब निकाल दी पूरा छाते जो ढड़ाई कैसे होगा, आगामी कल ढड़ाई होगा। तो प्राण उनका जो गुरु भाई आए तो देखा अरे इतना सेंट्रिंग हुआ था, किसने गिरा दिया। तो बोले मुझे गुरुदेव बोले तो मैं निकाल दिया। उन्होंने उनको बहुत ज्यादा बोले थे लेकिन महाराज जी बोले तुम्हारे भी शरणागति सिद्ध हो गया, तुम्हारे भजन होगा, कोई असुविधा नहीं, क्योंकि तुमने हमारे पास आए और इतना कुछ मेहनत करने के बाद हमने जो बताया वो कर दिया, अभी तुम्हारे सिद्ध हो जाएगा, शरणागति सिद्ध हो गया। तो सचमुच ऐसा है कि ऐसा कैसा गुरुवर को परीक्षा लेते हैं और उनको उसी 22 साल उम्र में सन्यासी दिए और सचमुच वो बताते कि हमारे गुरुपाद मतलब उनको शिष्य की मनोभाव जान करके पूछते थे। महाराज जी जब मठ में आए तो उनको वो तो बड़े बलिष्ठ सुपुरुष थे, चेहरा भी बहुत सुंदर था, लेकिन वो भूख सहन करना मुश्किल था उनके लिए। तो भक्ति श्री पर सिद्धांत को स्वयं महाराज उनको देखा और उनको देख करके बोले कि मठ में रहोगे? महाराज जी मैंने तो आया मठ में रहने के लिए। मठ में रहोगे तो मठ में एक ही काम कर सकते तो मठ में रह सकते। बोले क्या? मठ में बड़ा मुश्किल है कि भूख में रहना पड़ेगा, मठ में रह सकते? और उनको सबसे ज्यादा परेशानी वही था कि मुनि महाराज जी को भूख में रहना है। लेकिन उन्होंने रहे कि ना रहे लेकिन हाँ बोलते बोले रहूंगा। लेकिन एकादशी तिथि को फिर महाराज जी बोले कि उनकी कृपा हुई, सचमुच उन्होंने मठ में रह गए। तो अनेक अनेक उनका जीवन चरित्र है। उन्होंने चित्र विचित्र मठ जब पुरी में बनाए, सारे श्री क्षेत्र मंडल में
आकर्षण की क्षेत्र था। उन्होंने जो समुद्र मंथन की लीला, रास लीला और सारी दीवार में सारी गुरुवर्ग की उपदेश अमृत और शिक्षाष्टक मन शिक्षा सब लिखते थे। कोई जाए तो उनको इसलिए कहते थे कि उनका मठ में ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के लिए सुजोग नहीं है, लेकिन मंदिर में मार्जन करते करते सीखने के लिए सुजोग मिल जाएगा। पढ़ते पढ़ते क्या है, हम लोग जाते जाते एक बार देखा, हमारे नजर में आ गया कि उनके पहला नीतिवाणी श्री भक्ति सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी लिखा हुआ था कि शिष्य का वास्तव स्वरूप गुरुदेव की अप्रकट के बाद में ही प्रकाशित होती है। किसी मनोविष्ट के कारण उन्होंने गुरु की शरणागत हुए है और गुरुदेव की अप्रकट के बाद में ही प्रकाशित होती है। ऐसे मधुर मधुर और सुंदर जब चरित्र और शिक्षा है, बाकी महाराज बहुत बहुत कुछ बोलेंगे। वृंदावन में इतने सब वैष्णव के सानिध्य में श्रवण करने के लिए सुजोग मिलेगा, अपने को शोधन करने के लिए सुजोग मिलेगा। इतना बोल करके मैं वाचन के पुष्पांजलि महाराज के चरण में अर्पण करके मेरा वाणी को विराम देता हूँ। वंचा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु जयश्च प्रधानं भावं श्री विष्णु শুভ দীর্ঘা তিথিতে হৃদয়ের একটি সত্য প্রার্থনা
आमी जदि भूले थाकि तोमार चरणोदय तुमि किन्तु भूलियो ना ओहि दयामय गुरुदेव तो चिरकाली दयामय आमरा हयतो प्राकृत विचार बुद्धि द्वारा बुझते पाई ना भाबी जे गुरुदेव एत किछु करलाम ठीक गुरुदेव आमाके बुझते पारेन ना आमाके ठीक उपयुक्त उपहार दिते पारेन ना किन्तु गुरुदेवेर जे विचार सेटा सम्पूर्ण सत्य एवं वास्तवादी তাই তার আজ শুভগির ভাবতিথি শ্রী চরণদণ্ডে প্রার্থনা করব আমি ভক্তিহীন অতি অর্বাচীন না জানি ভক্তি লেশ নিজ গুণনাথ করো আত্মসাদ ঘুচাইয়া ভব ক্লেশ যদি সত্যি সত্যি তার সামান্যতম কৃপা আমার উপর পতিত হয় তবে মায়াবদ্ধ জীবের নাই কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান হলেও তার কৃপালোকে সূর্যের আলোকে যেমন অন্ধকার বিদীরিত হয় গুরু কৃপা হি কেবলম খনি সার্থক হবে সব তমসা দীনতা সেই পাশবিকতা হীনতা অবনতা সব বিদূরিত হবে এবং ওই পরমেশ্বর ভগবান যে সদুজ্জ্বল বিগ্রহ আমার হৃদয় তন্দ্রী সম্যকরূপে প্রকাশিত হবে আমার জীবনকে বাস্তব সার্থক এবং মঙ্গলময় পথ দ্বারা পরিপূর্ণ তাই আজ তার শুভ তিরোভাব তিথিতে প্রার্থনা করব আমার জীবন যেন সত্যি নির্মল এবং ভাবি ভাবাক্রান্ত হয়ে সেই কুলশেখর আচার্যের সেই চরম পরমুক্তি ভাবি ভাবি হৃদয় ভবনে ভাবি ভবন্তম অপূর্ব ভবনার্যের মধ্যে যেন উন্নীত হয় এবং আমার জীবন সার্থক এবং বাস্তব হয় বাঞ্ছা কল্পতরি ভক্ষা কৃপা সিন্ধি পরিচয় পতিতানাম ভাবি ভূ বৈষ্ণবে ভবন সঞ্জয় প্রভু गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णु पादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे मैं सर्वप्रथम अपने परम राजतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णु पाद अष्टोत्तर शिशिमत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर समस्त रूपानुग गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श्व सपरिकर श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय युक्त हूँ। सपार्श्व सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु जय युक्त हूँ। तदनंतर जिन महापुरुष की ग्रह तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ समुपस्थित हुए हैं उन शिला प्रभुपाद जी के अंतरंग निजन शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उनकी तिरुभाव तिथि जय प्रभु। उपस्थित पूजनीय सभापति महोदय त्रिडंडी पादगण वैष्णव वैष्णवी हरिकथा पिपासु श्रोत मंडली सबके चरणों में मेरा दिखा जो दंडवत प्रणाम। शिला सनातन गोस्वामी पाद ने श्रीमन महाप्रभु जी को इस बात कही जब महाप्रभु जी के साथ उनका कथोपकथन हुआ तो शिला सनातन गोस्वामी जी ने एक बात कही कि आपने अयोग्य देखी मने पांशो तथापि तुम्हार होने उपजाए लो। शिला सनातन गोस्वामी पाद जी के इसी विचार का अवलंबन करके संपूर्ण रूप में अपनी अयोग्यता को लक्ष्य करते हुए भी बस इस लोभ के कारण इन महापुरुषों की कुछ कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा ये साधक जीवन धन्य हो जाए। इसी विचार का अवलंबन करके मैंने जो दो एक बातें अपने गुरु महाराज जी के मुख से सुनी है उसका यह चरवित चरण करके आत्म पवित्रता लाभ करने की चेष्टा करूँगा। विशेष करके पूजनीय सभापति महोदय ने जहाँ से बात आरंभ की कि आविर्भाव से भी अधिक गौड़ीय साहित्य में तिरोभाव का वैशिष्ट्य लक्ष्य किया जाता है। हमारे गुरु महाराज जी ने शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने एक स्थान पर यह बात कही है कि श्री रूप गोस्वामी पाद ने ना बिना विप्रलंभेन संभोगम पुष्टिम अश्नुते
रूप गोस्वामी पाद ने यह बात कहकर कि विरह के बिना मिलन रस का आस्वादन नहीं हो सकता, यह बात कहकर श्री रूप गोस्वामी पाद ने गौड़ीय साहित्य में विरह का क्या गुरुत्व है, कितना आदर है, इस बात का दिग्दर्शन प्रदान किया है। हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने स्थान पर कहा है, हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने एक स्थान पर कहा है कि विरह क्या है। वास्तव में आज हम विरह तिथि पालन करने के लिए समुपस्थित हुए, ये विरह क्या है? परम गुरु महाराज जी